फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसा कि मैं आप लोगों से रोज पूछती हूं, तो आज भी पूछना बनता है। और आज मैं किचन में हूं इस समय। अगर आप मेरा पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं तो व्लॉग को पहले ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि व्लॉग आपको अच्छा लगने वाला है। क्योंकि ये है मेरा ससुराल व्लॉग। और अभी मैं ससुराल, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं बता दूँ कि मैं अपने ससुराल आई हुई हूँ। तो चलिए फिर पूरा व्लॉग देखिए। व्लॉग अच्छा लगे तो तब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था, मैंने आपको बोला था कि मुझे मायके जाने की तैयारी करनी है, तो मैं यहाँ करने जा रही हूँ अपनी पैकिंग। तो मुझे ज़्यादा कुछ पैकिंग नहीं करनी है, थोड़े बहुत ही कपड़े रखने हैं। तो मैं यहाँ पीहू के सारे कपड़े ध्यान से करके रख लूँगी, क्योंकि ठंड का टाइम है तो वही सब मैं रखूँगी। और ये कुछ मेरे कपड़े हैं जो मैं अपने लिए इस समय निकाल रही हूँ ले जाने के लिए। और पीहू का मुझे सब कुछ ध्यान से रखना है, जैसे स्वेटर हो गया, इनर हो गया, जैकेट हो गई, उसके पैर की गर्म पजमियाँ हो गई। तो ये सब मैं सामान उसका ध्यान से रख लूँगी। और बस थोड़ा बहुत ही सामान एक ही बैग लेके जाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं लेके जाऊँगी। तो वही सब मैं अपने कपड़े भी निकाल रही हूँ कि मुझे अपने लिए क्या लेके जाना है। अपने लिए तो मैं ज़्यादा कुछ भी नहीं ले जा रही हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला, बार बार वही बात रिपीट हो रही है, उसके लिए सॉरी। और यहाँ पीहू कुछ बोल रही थी, मम्मा मुझे देखो क्या लग गया, तो वही मैं पीहू को देख रही थी। और ये देखिए मुझे एक कप मिला है, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैमरे के आगे आकर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी पैकिंग कर रही थी मायके जाने के लिए, तो मैंने देखा कि मेरे वार्डरोब में एक ये कप रखा है। और ये पता है ये कप कब का है? ये कप फर्स्ट टाइम जब मेरे हस्बैंड मेरे को गिफ्ट दिए थे, मतलब वो शिप में अपने मायके थी और वो आए थे, तो कुछ ऐसा सीन था, तब उन्होंने ये कप दिया था मुझे। और देखिए बहुत ही प्यारा कप है ये, देखिए ये हमारी बहुत स्टार्टिंग की पिक्स हैं। ये देखिए दिख रहा है आपको, तो ये कप मैंने बहुत संभाल के रखा है और अभी भी रखा। तो इस कप से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत पहले का कप है, स्टार्टिंग में नया नया जब शादी हुई थी तब से। तो बस मैं इसको संभाल करके फिर से वापस से रख दूँगी। और बहुत अच्छा लगा ये देख करके, बहुत सारी मेमोरी फिर से रिमाइंड हो गई। तो बस अब मैं इसको सेट करके रख दूँगी और मैं अपनी पैकिंग कर ही रही हूँ। तो फाइनली अब ससुराल मायके जाने की पैकिंग स्टार्ट हो ही गई है। तो आप भी लोग देख लीजिए कि मैं मायके जाने की मैं तैयारी कैसे कर रही हूँ। मेरी पैकिंग का सामान तो मैंने एक साइड रख दिया है जो मुझे ले जाना था। और ये कुछ कपड़े सुबह मैंने मॉर्निंग में मशीन लगाई थी, वो धुला था, जो अब सूख चुके हैं। तो अब मैं इसको भी फोल्ड करके और सबके कपड़ों को सबकी जगह पे रख दूँगी, मतलब पीहू के डैडी के पीहू की जगह पे और मेरे पीहू के सबके जगह पर सेट करके लगा दूँगी। और आज धूप अच्छी निकली थी तो कपड़े भी सूख गए हैं। और देखिए सामने से आपको काफ़ी रोशनी भी आ रही होगी, क्योंकि आज मौसम साफ था इसी वजह से। और चलिए बस फटाफट से मैं अपने कपड़े फोल्ड कर लेती हूँ।
मुझे कुछ लोगों के नाम लेने हैं, तो चलिए नाम भी ले लेते हैं। तो पहला नाम है कुलविंदर कौर जी का, उन्होंने अपनी बेटियों के नाम लेने को बोले थे। तो पहला नाम उनकी बेटी का है सीरत और दूसरी बेटी का नाम है आराध्या। तो दोनों बेटियों को मेरा बहुत सारा प्यार। और कुलविंदर कौर जी, मैंने आपका नाम ले लिया है। और जो नेक्स्ट नाम है वो है आशा जी का, उनकी बेटी का नाम है ज्योति। तो मैंने आप दोनों का नाम ले लिया है। थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स कर रहे हैं, थैंक यू। चलिए, मेरे कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं, सबको सबकी जगह पे रख दिए हैं। शाम हो चुकी है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि शाम हो गई है। और अब मैं आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, शाम की चाय। तो चलिए फटाफट शाम की चाय बनाते हैं और गर्मा गर्म ठंडी में चाय पीते हैं। चाय चढ़ा दी है बनने के लिए, शाम हो गई है, 4:30-5 का टाइम हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो हम लोग चाय पी लेते हैं। और ठंड थोड़ी सी आज कम है क्योंकि आज धूप थी, इसलिए अच्छा वेदर था। और आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग के कमेंट्स को पढ़ करके। मैं सबके कमेंट्स को पढ़ती हूँ और बस थोड़ा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी। तो आपसे बात करते करते मेरी चाय खौल चुकी है, मतलब उबल चुकी है। अब मैं इसमें दूध डाल दूंगी और हम चारों लोग ही चाय पियेंगे। तो पापा, मम्मी और मेरे हस्बैंड उधर बैठे बातें कर रहे हैं और मैं यहाँ पे फटाफट से चाय बना लूँगी। पीहू भी खेल रही है, वो अपने दादू और मम्मी के पास बैठी खेल रही है, तो बातें कर रही है। और मैं यहाँ पर उसके लिए भी दूध भी गर्म कर लूँगी क्योंकि वो सो चुकी थी, सो के उठ गई है। मैं उसके लिए पहले चाय बना लूँगी, उसके बाद मैं दूध गर्म करके उसको भी दे दूँगी, तो उसका अभी इवनिंग स्नैक्स टाइप हो जाएगा। मतलब हम लोग चाय पियेंगे और वो दूध पी लेगी। तो चलिए हम लोग चाय पीते हैं, आइए आप भी हमारे साथ गर्मा गर्म चाय पी लीजिए। वेलकम बैक। और अभी टाइम हो गया है 9:30, रात के 9:30 बज रहे हैं और अब फिर से ठंडक बढ़ गई है। तो आज जो बस अभी हम लोग का डिनर विनर हो चुका है और बस हम लोग बैठे थे, पीहू और पीहू के डैडी नीचे वॉक करने के लिए गए हैं। आज मैं वॉक करने नहीं जा पाई हूँ, बस मैं वीडियो एडिट कर रही थी, मैंने सोचा पीहू नहीं है और मैं फटाफट से वीडियो एडिट कर लेती हूँ। मेरा मन तो था वॉक करने जाने के लिए बट मैं नहीं जा पाई बिकॉज मुझे आप लोग के तक वीडियो पहुँचाना है कल सुबह। और अभी एडिट करूँगी तो फिर वो एक्सपोर्ट होएगा, फिर उसमें उसके बाद डाउन अपलोड होगा, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। यहाँ पे नेटवर्क बहुत अच्छा नहीं मिलता है जियो का, इसलिए तो बस आज का दिन ऐसे ही फिनिश हो गया है। और अभी बस हम लोग रात में दूध पियेंगे। तो आज मैं आपके साथ दूध, यहाँ की दूध की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ, यहाँ मम्मी कैसे दूध बनाती हैं। मतलब दूध में ना एक आंबा हल्दी आती है, आप लोग में से कितने लोग हैं जो आंबा हल्दी यूज़ करते हैं मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वो अदरक के
जैसी होती है, मैंने फर्स्ट टाइम ही देखी है, बट अच्छा लगता है वो दूध। तो उसमें मम्मी दालचीनी, अदरक, आंबा, हल्दी और वो शक्कर होती है ना, आप लोग को पता है शक्कर क्या होती है? गुड़ की शक्कर होती है, चीनी नहीं, शक्कर। तो आप लोग में से कितने लोग को पता है ये बताइएगा। शक्कर डाल करके पीती हैं तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम लाइट सा शक्कर डालते हैं, ज़्यादा नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी सा। तो चलिए फिर, अभी बस काम वाम हो गया है और मेरी पैकिंग भी हो गई है, अब निकलना है मुझे कल। तो कल के देखते हैं कल क्या होता है, और कल का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर दूंगी। तो देखिए कितना बढ़िया सा दूध दिख रहा है, आपको लग रहा होगा ये केसर वाला दूध है, बट इसमें मिला है आंबा, हल्दी, अदरक और दालचीनी, जो कि दालचीनी कूट के डाली गई है। अब हम लोग गर्मा गर्म चलिए दूध पी लेते हैं। तो यही था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। चलिए मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट।